गोविंद गोपाला हरे कृष्णा गोपाला। जन्माष्टमी आने वाली है और जन्माष्टमी को लेकर सभी कृष्ण मंदिरों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आगरा के भी हम एक ऐसे मंदिर में ऊपर खड़े हुए हैं जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। ये कैसा सिकंदराबाद मंदिर है जिसके बारे में आपको आज हम जानकारी देने वाले हैं। सिकंदरा हाईवे पर ये बिहारी जी का मंदिर है और जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये मूर्ति जो आपको पीछे दिखाई दे रही है बिहारी जी की, बिल्कुल वो मूर्ति बिल्कुल वृंदावन के बिहारी जी की तरह है। ऐसे आगरा में तमाम मंदिर है लेकिन ये एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। यहाँ के मंदिर सिंह के महन जी से बात करते हैं और वो बताएंगे कि इस मंदिर की क्या है खासियत। पंडित जी आपका क्या नाम है? सर ये मंदिर का नाम क्या है, कैसे मंदिर की स्थापना हुई थी? बनाया था, इसका नाम है रामकृष्ण श्री कृष्ण के नाम से। तो सब ये कितने साल पुराना मंदिर हो गई है? कैसे स्थापना हुई थी इसकी? श्री गांधी ने कराई थी, आगरा के बहुत मशहूर बढ़िया। मूर्ति कितनी बड़ी है, मूर्ति की खासियत क्या है? मूर्ति की स्थापना हुई थी, मूर्ति की ये है 2.5 फुट। मूर्ति की खासियत क्या है? खासियत ये है कि मूर्ति की जो देखता वो हो जाता है, इसी प्रोग्राम में बढ़िया। और उनकी जो भी है तो उनकी छवि को जो देखता वो मोहित होता है और उनका काम भी बनता है। मंदिर सुबह खुलने का समय क्या रहता है भक्तों के लिए? 6 बजे से 12 बजे या जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे क्या कार्यक्रम? रात को भी खुला रहेगा, रात को भी 12 बजे तक खुला है, 4 बजे से 12 बजे तक। ये बिहारी जी की तरह है मूर्ति, बिल्कुल बिहारी जी वहाँ है, कोई बिहारी जी यहाँ है, हमारी कोई मूर्ति है, इसमें कोई जरूरत नहीं है। तो सेठ जी ने ये मूर्ति कहाँ से मंगवाई थी, कुछ याद है? सेठ जी ने जयपुर से मंगाई थी और ये वहाँ से लेके आए थे मथुरा वृंदावन से लेके आए थे। तो कितने वर्ष से आप इस मंदिर की सेवा करने लगे हैं? मैं जो है 40 वर्ष। 40 वर्ष से तो लगातार आप लोग सेवा करते आ रहे हैं। मंदिर में क्या भोग लगता है प्रभु को? भोग लगता है जो मिश्री माखन मिश्री का, शाम को पेड़ा मिश्री। तो ये है आगरा का वो मंदिर जो 200 वर्ष पुराना है। इस मंदिर के बारे में महंत जी ने बताया कि ये मंदिर जो है आगरा के जो सेठ थे सूरज भान जी, जिनका बेलंगंज में सूरज भान फाटक के नाम से भी आप लोग जानते होंगे, उन्हीं सेठ के द्वारा ये जो बगीची जो थी इसी मंदिर की स्थापना की गई थी। ये जो मूर्ति है 2.5 फीट की जो बिहारी जी की मूर्ति है, ये मूर्ति जयपुर से कारीगर के द्वारा मंगवाई गई थी। यहाँ आने से पहले ये मूर्ति जो है वृंदावन में थी, वृंदावन के बाद ये मूर्ति यहाँ आगरा में स्थापित की गई। 200 वर्ष पुराने इस मंदिर में यहाँ पे बहुत ही कम लोग जानते हैं लेकिन ये मंदिर वाकई में हूबहू बिहारी जी के मंदिर की तरह है। इस वहाँ यहाँ पर भी भगवान को भोग में माखन मिश्री का ही भोग लगता है और इसकी जो कलाकारी आप देख सकते हैं कि मंदिर की जो कलाकारी है बिल्कुल जयपुरिया डिजाइन में है। यहाँ पर एक एक जो स्तंभ है इन पे कारीगरी बहुत ही बखूबी से की गई है। शायद ही ऐसा मंदिर आगरा में आपको देखने को मिलेगा जहाँ जिस तरीके से इस मंदिर में कारीगरी की गई है, क्योंकि यहाँ पर ये सब कारीगरी आपको अब इन मंदिरों में नए मंदिरों में नहीं दिखाई देती है। ये वो मंदिर है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन अगर जन्माष्टमी में आपको मंदिर आना है तो इस सिकंदरा हाईवे पर स्थित इस मंदिर में जरूर आए, बिहारी जी के मंदिर में। पुरानी कला भी दिखाई देगी, साथ ही इस बगीचे में आपको मोर तरह तरह के यहाँ पे पक्षी भी नजर आएंगे। हरियालियों के बीच में एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में आप भी जानकर अपने मन को भी प्रफुल्लित करेंगे। आगरा से अमर उजाला के लिए सलोनी पांडे की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।